हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। यह नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम हेल्थ को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हमने एक सिंपल नोट्स तैयार किए हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो हेल्थ को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। नर्सेज नीड टू अंडरस्टैंड द वेरिएबल्स दैट कैन इन्फ्लुएंस क्लाइंट्स हेल्थ बिलीफ एंड प्रैक्टिस। इंटरनल एंड एक्सटर्नल वेरिएबल्स कैन इन्फ्लुएंस हाउ ए पर्सन थिंक एंड एक्ट। अंडरस्टैंडिंग द वे इन विच दीज वेरिएबल्स अफेक्ट ए क्लाइंट्स अलाउ द नर्स टू प्लान एंड डिलीवर इंडिविजुअलाइज केयर। मीन्स देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर दैट प्रजेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल वेरिएबल्स। बाई डिटेक्टिंग दीज वेरिएबल्स नर्स अंडरस्टैंड दीज वेरिएबल्स एंड डिलीवर हाउ टू डील विद वेरिएबल्स एंड डिलीवर अफेक्टिव केयर टू द पेशेंट। मीन्स यहाँ इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि नर्स इन फैक्टर्स को किस तरह से पहचानेगी, किस तरह से इनको डील करेगा जिससे कि वो पेशेंट को एक अच्छी केयर प्रोवाइड करा सके। फर्स्ट फैक्टर है इंटरनल वेरिएबल। आंतरिक कारक कौन कौन से हैं जो हेल्थ को प्रभावित करते हैं? इंटरनल वेरिएबल्स, इंटरनल वेरिएबल्स इंक्लूड ए पर्सन्स डेवलपमेंटल स्टेज, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, परसेप्शन ऑफ पर्सनल फंक्शनिंग एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फैक्टर। यहाँ पर ये इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसमें पर्सन का डेवलपमेंटल स्टेज, उसका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, परसेप्शन, पर्सनल फंक्शनिंग, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फैक्टर्स, ये सभी फैक्टर इंटरनल वेरिएबल में शामिल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज। ए पर्सन्स थॉट एंड बिहेवियर पैटर्न चेंजेज थ्रू आउट द लाइफ। द नर्स मस्ट कंसिडर लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्हेन यूजिंग द क्लाइंट्स हेल्थ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज ए बेसिस फॉर प्लानिंग केयर। डेवलपमेंट, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पर्सन्स का थॉट एंड बिहेवियर थ्रू द डेवलपमेंट चेंज होता जाता है। जैसे बच्चा होता है वो कम समझता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसका एक थिंकिंग रीजनिंग पावर इंक्रीज होना होता चल जाता है। तो इस संबंध में नर्स को ये दिमाग में रखना है कि जो पेशेंट है वो किस एज ग्रुप का है, उसके हेल्थ के रिलेटेड क्या बिलीफ्स हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, तो ये सारे प्लानिंग केयर में उसको कंसीडर करना है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ए यंग चाइल्ड इज़ नॉट जनरली एबल टू रिकॉग्नाइज द इलनेसेस। मीन्स जो बच्चा होता है वो जनरली जो बीमारी उसको नहीं पहचान पाता, बता नहीं पाता, इससे उसकी हेल्थ कंडीशन प्रभावित हो सकती है। तो ये फर्स्ट फैक्टर था इंटरनल फैक्टर का डेवलपमेंटल फैक्टर। नंबर सेकंड सब हेडिंग इंटरनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड। ए पर्सन्स बिलीफ अबाउट हेल्थ एंड शेप इन पार्ट बाई इंटेलेक्चुअल वेरिएबल्स इंक्लूडिंग नॉलेज और मिसकंसेप्शन अबाउट बॉडी फंक्शन एंड इलनेस, एजुकेशन बैकग्राउंड।
एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस. दीज वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस पर्सन्स थॉट. इनर्स कंसीडर इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ए क्लाइंट बिलीव्स अबाउट हेल्थ एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस so that these variables can be incorporated into the nursing care. तो second variable internal variables का intellectual background, इसमें nurse को जो भी person है client है उसका intellectual background में related to knowledge level about the health illness condition, उसका education background ये सब देखना है पता लगाना है कि उसके हेल्थ के बारे में क्या बिलीफ्स हैं, वो डिजीज़ को समझ रहा है कि नहीं, क्या उसके मिसकंसेप्शन है. तो ये सारे ड्यूरिंग द प्लानिंग केयर नर्स को कंसीडर करना है कि पेशेंट का थिंकिंग क्या है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है. यदि वो एजुकेटेड है तो नर्स उसको ठीक ढंग से समझा सकता है, बता सकता है जो एक हेल्थ को डिजीज़ को ठीक करने में, हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करेगा. ये पेशेंट का इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, उसका नॉलेज लेवल ठीक नहीं है, मिसकंसेप्शन है बहुत सारी चीज़ों के लिए रिलेटेड टू हेल्थ इलनेस, तो हमको उसको ठीक ढंग से एजुकेट करना है जिससे कि हम उसको एक तरह से डिजीज़ को जल्दी से क्योर कर सकें और उसको एक अच्छा हेल्दी बना सके. नंबर थर्ड, परसेप्शन और फंक्शनिंग. नंबर थर्ड देखते हैं परसेप्शन और फंक्शनिंग में. द वे पर्सन परसीव फिजिकल फंक्शनिंग अफेक्ट हेल्थ बिलीफ्स एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस. When nurses assess client's level of health, they gather subjectives such as level of fatigue, shortness of breath or pain. They also obtain objective data such as blood pressure, eye measurement, lung sound assessment. This information allows nurses to more successfully plan and implement individualized care. नंबर थर्ड, परसेप्शन ऑफ फंक्शनिंग मीन्स जो पर्सन है क्लाइंट है वो किस तरह से अपनी बीमारी को, हेल्थ कंडीशन को परसीव कर रहा है, वो नर्स को ठीक ढंग से सब्जेक्टिव डाटा को बता पा रहा है कि नहीं, जैसे कि उसको थकान हो रहा है, पेन हो रहा है. तो ये सारा कंडीशन पेशेंट को आफ्टर परसीव बताना है. यदि वो ठीक से परसेप्शन नहीं कर पा रहा, नहीं बता पा रहा सिम्टम्स को, तो ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. मीन्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और केयरिंग प्रोसेस ये हेल्थ कंडीशन को अफेक्ट करेगा कि विदाउट एनी परसेप्शन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक डिजीज. तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है परसेप्शन ऑफ फंक्शनिंग जो हेल्थ को प्रभावित कर रहा है. नंबर फोर्थ इंटरनल वेरिएबल्स का इमोशनल फैक्टर. इमोशनल फैक्टर्स आल्सो इन्फ्लुएंस हेल्थ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. ए पर्सन हु जनरली इज वेरी काम मे हैव लिटिल इमोशनल रेस्पॉन्स ड्यूरिंग द इलनेस. Where as an individual unable to cope emotionally with the threat of illness. Emotional state में means person का emotions means यदि person calm and quiet है, उसका nature बिल्कुल शांत है, तो वो जो भी disease process है उसको ठीक ढंग से response करेगा, deal करेगा, बजाय जिस person का emotional state weak है, इमोशनली कोप नहीं है, वो जल्दी से किसी भी बीमारी से घबराया जाएगा, इलनेस से घबरा जाएगा और बीमारी से उसका एक तरह से लड़ने का, डील करने का, जल्दी से होने की प्रक्रिया में बाधा आएगी. तो ये इमोशंस भी
हेल्थ को प्रभावित करते हैं। नंबर फिफ्थ, स्पिरिचुअल फैक्टर। स्पिरिचुअलिटी सर्व एज एन इंटीग्रेटिंग थीम इन पीपल्स लाइफ। दीज आर सम रिलीजन्स दैट रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। नर्स मस्ट अंडरस्टैंड क्लाइंट्स स्पिरिचुअल डायमेंशन टू इन्वॉल्व देम इफेक्टिव इन नर्सिंग केयर। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी मीन्स सम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक पर्सन रिलीजन दैट गाइड टू पर्सन इन स्पेशल वे। स्पिरिचुअली सर्व एज एन इंटीग्रिटी थीम इन पीपल्स लाइफ। स्पिरिचुअलिटी पर्सन्स को अपने अंदर से एक तरह से इंटीग्रेट करके रहती है, बांध के रखती है। इस तरह से मीन्स उसके जो प्रिंसिपल्स है, उसकी थीम है, उसके बिलीफ्स हैं, ये सब स्पिरिचुअलिटी के अंदर आते हैं। देर आर सम रिलीजन्स दैट रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। मीन्स कुछ रिलीजन्स में कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट को अवॉइडेंस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई पर्सन वेजिटेरियन है या पेशेंट वेजिटेरियन है और वो नॉन वेज को रेस्ट्रिक्ट करता है, तो एक तरह से स्पिरिचुअलिटी मीन्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। द नर्स मस्ट अंडरस्टैंड क्लाइंट्स स्पिरिचुअल डायमेंशन टू इन्वॉल्व देम इफेक्टिवली इन नर्सिंग केयर। तो ड्यूरिंग द नर्सिंग केयर और ट्रीटमेंट नर्स को इन चीज़ों को देखना है, समझना है और इनके अकॉर्डिंगली पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। तो ये था स्पिरिचुअलिटी फैक्टर्स। तो हमने यहाँ ये पांच फैक्टर्स पढ़े थे जो इंटरनल वेरिएबल्स के अंदर आते हैं, जिसमें डेवलपमेंटल फैक्टर था, इंटेलेक्चुअल फैक्टर था, नंबर थर्ड था परसेप्शन ऑफ फंक्शनिंग, नंबर फोर्थ इमोशनल फैक्टर, नंबर फिफ्थ स्पिरिचुअल फैक्टर। तो ये सभी कारक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हेल्थ को प्रभावित करते हैं। अब हम हेल्थ को प्रभावित करने वाले एक्सटर्नल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर बी, एक्सटर्नल वेरिएबल्स जो हेल्थ को प्रभावित करते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल्स इंक्लूड फैमिली प्रैक्टिस, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर एंड कल्चरल वेरिएबल्स। एक्सटर्नल वेरिएबल्स में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, फैमिली प्रैक्टिसेस, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड कल्चरल वेरिएबल्स जो हेल्थ को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट देखते हैं पर फैमिली प्रैक्टिस। द वे दैट क्लाइंट्स फैमिलीज यूज हेल्थ केयर सर्विसेज जनरली अफेक्ट देयर हेल्थ प्रैक्टिसेस। मीन्स किस ढंग से फैमिली हेल्थ केयर सर्विसेज को यूज कर रहा है, ये हेल्थ को प्रभावित करता है। मीन्स कुछ लोग मेडिकल केयर इंस्टीट्यूट पर जाना पसंद करते हैं, कुछ घर पे ही ट्रीटमेंट कराते हैं, तो जो होम ट्रीटमेंट होगा वो रिस्क होगा फॉर द हेल्थ। जैसे कि कुछ कस्टम्स में एग्जांपल के हम करते हैं कि डिलीवरीज अपने घर पे ही कराना वो पसंद करते हैं बजाय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के। तो जो होम डिलीवरीज होती हैं वो रिस्क होगी फॉर इलनेसेस। कंटिन्यूइंग फैमिली प्रैक्टिसेस हेल्दी फैमिलीज जनरली सीक वे टू हेल्प ऑल मेंबर अचीव देयर हाईएस्ट पोटेंशियल। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इन हेल्दी फैमिलीज एनकरेजेज मेंबर टू चेंज रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज मेंबर आर एबल टू टेम्प्रेरी परफॉर्म ईच अदर टास्क। या फिर हेल्दी फैमिलीज होती हैं जो हेल्थ केयर सर्विसेज को
अच्छे ढंग से यूज करता है विद देयर हाईएस्ट पोटेंशियल, मीन्स वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हेल्थ केयर एजेंसीज का ढंग से यूज करते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसके साथ साथ हेल्दी फैमिलीज में कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज होती है, मीन्स जो पर्सन डिफरेंट रोल को अज्यूम करेंगे, जैसे कि हेल्दी फैमिली में कोई सिक पर्सन है तो उसके फैमिली मेम्बर्स उसको एक तरह से सपोर्ट करेंगे, उसके काम में हाथ बढ़ाएंगे, उसके रोल्स को अज्यूम करेंगे। तो इस तरह से एक दूसरे के केयरिंग रिलेशनशिप यहाँ पर मेंटेन होते हैं फैमिली जो हेल्दी हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का रोल में रिजिडिटी नहीं है कि यदि कोई पर्सन बीमार पड़ गया तो उसका काम रुक जाएगा, या कोई उसका काम नहीं करेगा, या कोई उसका हेल्प नहीं करेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन डिफरेंट पर्सन्स रोल इन हेल्दी फैमिली इज इम्पोर्टेंट। नंबर सेकंड, एक्सटर्नल वेरिएबल्स का सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, नेवर पीर कोवर्कर्स आर यूजुअली अवेयर ऑफ ए पर्सनस लेवल ऑफ हेल्थ, एंड इफ द पर्सन इज अनएक्सपेक्टेडली एबसेंट फ्रॉम द वर्क और ए प्लान्ड एक्टिविटी और इज एक्सपीरियंस ए सिम्टम ऑफ इलनेस। सोशियो इकोनॉमिक में देखते हैं कि सामाजिक स्थिति, यदि कोई पर्सन यदि बीमार है तो उसके पड़ोसी, उसके मित्र कोवर्कर्स उसके बारे में अवेयर रहते हैं एक तरह से। जैसे कोई बीमार पड़ गया, काम पे नहीं आ रहा, वर्क नहीं कर रहा, समाज में मिलजुल नहीं रहा, घर से बाहर नहीं निकल रहा, इस कंडीशंस में जो सोशल ग्रुप्स हैं, मेंबर हैं, सोसाइटी है, फ्रेंड्स हैं, वो पर्सन को सपोर्ट करते हैं, उसको एक अच्छे ट्रीटमेंट की एडवाइस देते हैं, उसको हॉस्पिटल दिखा के ले जाते हैं। तो ये कंडीशन एक डिजीज़ को प्रिवेंट करने में मदद करती है कि पर्सन है वो जल्दी से, उसको यदि अच्छे हेल्थ केयर मिल गया, अच्छे फैसिलिटी मिल गई तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से ये फैक्टर्स, उन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स मीन्स पर्सन को समाज से किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है जिससे कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं। ए मेंबर ऑफ द सोशल नेटवर्क में एनकरेज मेडिकल अटेंशन, ए पर्सन जनरली सपोर्ट फ्रॉम सोशल ग्रुप्स एंड हिज डिजायर फॉर सपोर्ट हेल्थ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। जैसा कि हमने अभी देखा कि इस इन कंडीशंस में जब पर्सन बीमार पड़ता है उसको सोशल सपोर्ट मिलता है जिससे कि वो अपनी अच्छे से अच्छी बेस्ट हेल्थ सर्विसेज को अचीव कर सके। नंबर सोशियो इकोनॉमिक का सोशियो वेरिएबल पढ़ा हमने, अब नेक्स्ट इकोनॉमिक वेरिएबल्स में। इकोनॉमिक वेरिएबल्स में अफेक्ट ए क्लाइंट्स लेवल ऑफ हेल्थ बाय इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डिजीजेज एंड इन्फ्लुएंसिंग हाउ और एट व्हाट पॉइंट द क्लाइंट एंटर द हेल्थ केयर सिस्टम। ए वर्कर हु हैज़ हेल्थ इंश्योरेंस इज मोर लाइकली टू सीक केयर एंड ट्रीटमेंट फॉर ए क्रॉनिक इलनेस। ये हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू मनी, मीन्स यदि कोई पर्सन बीमार हो गया है तो वो किस तरह से हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में फैसिलिटी ले रहा है, अपने आप को दिखा रहा है। यदि वो अपने रुपयों की तरफ से संपन्न है, ठीक है, वो एक तरह से हम लग सकते हैं उसके पास अच्छा पैसा है, अमीर है, तो वो अच्छी फैसिलिटीज़ को अवेल करेगा। देन जो पुअर या गरीब है वो हॉस्पिटल जाने से बचेगा, पैसे खर्च करने से बचेगा। तो ये कंडीशंस भी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, मीन्स जो गरीब पर्सन है उसकी बीमारी के ठीक होने के चांसेस थोड़े कम होंगे क्योंकि उसको थोड़ा लेट ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीमें,
स्कीम्स जो कुछ पर्सन अवेल कर रहे हैं भाई डियर मनी, तो जैसे ही वो बीमार पड़ते हैं तो वो इजीली हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में अपने आप को दिखा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मीन्स इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड देयर ट्रीटमेंट एंड पर्सन इजीली गेट देयर ट्रीटमेंट, देयर इज नो मनी लाइक प्रॉब्लम। तो ये सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो एक तरह से एक्सटर्नल वेरिएबल्स के रूप में हेल्थ को प्रभावित करते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल्स का थर्ड वेरिएबल कल्चरल बैकग्राउंड। कल्चरल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिलीव्स वैल्यूज कस्टम्स। इफ इंडिविजुअल ओनली इनटू द हेल्थ केयर सिस्टम एंड पर्सनल प्रैक्टिसेस, इफ नर्सेज आर नॉट अवेयर of their own and other culture pattern of behavior and language, they may not be able to recognize and understand a client's behavior and beliefs and may have difficulty interacting with client. Nurse must identify and incorporate cultural factors into a client's care plan to avoid conflict between goal and method of care and the client's cultural background. थर्ड वेरिएबल्स जो एक्सटर्नल का है कल्चरल बैकग्राउंड, मीन्स इसमें हमको जो पर्सन का बिलीव्स वैल्यूज एंड कस्टम उनके बारे में पढ़ना है कि ये किस तरह से हेल्थ प्रभावित करते हैं। इफ इट इन्फ्लुएंस एंट्री इनटू द हेल्थ केयर एंड पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिसेस। कल्चरल बैकग्राउंड्स मीन्स जो पर्सन है डिफरेंट कल्चर्स, उनका डिफरेंट कस्टम्स, उनका डिफरेंट वैल्यूज है, जो पर्सन को हेल्थ केयर डिलीवरी को में एंटर होने के लिए दिखा एग्जांपल के हॉस्पिटल में दिखाने के लिए इनकी सोच पैटर्न तरीका ट्रीटमेंट का, इस कुछ कस्टम्स में वो ट्रीटमेंट उसको अवॉइड करते हैं, कुछ कस्टम्स में होम ट्रीटमेंट को अवेल करते हैं, अपने जो नीम हकीम उनसे ट्रीटमेंट लेना पसंद करते हैं कुछ। तो ये उनका कल्चरल बैकग्राउंड हेल्थ को प्रभावित करता है। मीन्स जो ठीक ढंग से हॉस्पिटलाइज नहीं हो पाते, ट्रीटमेंट नहीं हो पाते, उनका हेल्थ कंडीशन डिजीज कंडीशन जल्दी से क्योर नहीं होगा और वो अनहेल्दी प्रैक्टिस में लंबे समय तक रहेंगे। इफ नर्सेज आर नॉट अवेयर ऑफ देयर ओन एंड अदर कल्चर पैटर्न और बिहेवियर एंड लैंग्वेज, दे मे नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड क्लाइंट बिहेवियर एंड बिलीव्स एंड मे हैव डिफिकल्ट इंटरेक्टिंग विद क्लाइंट। इसके साथ साथ जो नर्स हॉस्पिटल में केयर कर रहा है उसको भी कल्चरल बैकग्राउंड को एक दिमाग में रखना है। मीन्स जैसे कि पेशेंट का लैंग्वेज क्या है, वो किस हमारी भाषा समझ रहा है कि नहीं, ठीक ढंग से हम उसको कम्युनिकेट कर पा रहे कि नहीं। जैसे कि जो पर्सन है वो डिफरेंट लैंग्वेज का है, या इंग्लिश नहीं जानता या हिंदी नहीं समझ पा रहा, और नर्स भी डिफरेंट लैंग्वेज का है, तो वो किस तरह से कम्युनिकेट करेगा या उसके जो रिलेटिव्स है उससे बात करेगा। यदि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो वो पेशेंट अपना बात को ठीक ढंग से नहीं बता पाएगा। तो ये हो गया एक तरह से लैंग्वेज, जो पर्सन का स्पेशल करेक्टर है कि उसका रीजनल लैंग्वेज क्या है और नर्स का रीजनल लैंग्वेज क्या है। यदि दोनों का लैंग्वेज डिफरेंट है तो वो ठीक ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करेगा, बता नहीं पाएगा। तो ये कंडीशंस भी हेल्थ को प्रभावित करेगी, क्योंकि जब पेशेंट अपना प्रॉब्लम नहीं बता पाएगा तो उसको प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा बाय द नर्स,
during the nursing care. तो इसके लिए नर्स को कल्चरल फैक्टर को अपना दिमाग में रखना है कि मीन्स नर्स और पेशेंट के बीच, उनके ट्रीटमेंट के बीच किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो. नर्स अकॉर्डिंग टू पेशेंट, उसके कस्टम, बोली, भाषा अपना प्लानिंग करें. मीन्स जो भी पेशेंट के साथ है उससे बातचीत करना, उसके रिलेटिव से पूछना यदि पेशेंट उसकी बातों को नहीं समझ पा रहा. नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल. ए क्लाइंट फ्रॉम ए कल्चर दैट स्ट्रांगली वैल्यूज एंड एक्सपेक्ट क्लोज बार एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप मे एक्सपीरियंस कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट विद ए नर्स हु डज नॉट वैल्यूज और हैज नॉट एक्सपीरियंस क्लोज किनशिप टाइज. यह हम देख रहे हैं कि यदि पेशेंट का कल्चरल वैल्यू स्ट्रांग है, क्लोज है बार में, मीन्स वो अपनी कल्चर को फुल सपोर्ट कर रहा है, देन देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू कल्चर या प्रेजेंट हो सकता है ड्यूरिंग द केयर ऑफ द पेशेंट. मीन्स यदि पर्सन या पेशेंट वो नर्स से ठीक ढंग से बात नहीं कर पा रहा, उसका कल्चरल स्ट्रॉन्ग है, क्लोज है बार में, एंड मीन्स एक तरह से नर्स और क्लाइंट का कल्चर मीट नहीं कर रहा, देन देयर इज नो कम्युनिकेशन, नो क्लोज कंजर्वेशन, देन दिस लीड टू मिस हैपनिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू हेल्थ एंड देयर सम रिलेटेड टू लैंग्वेज प्रॉब्लम्स. फ्रेंड्स, ये हमने हेल्थ को प्रभावित करने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इंटरनल वेरिएबल्स के बारे में जो फैक्टर्स थे, डेवलपमेंटल फैक्टर्स, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स, परसेप्शन ऑफ फंक्शनिंग, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, और एक्सटर्नल वेरिएबल्स जिसमें फैमिली प्रैक्टिसेस, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर के बारे में पढ़ा. तो ये सभी फैक्टर्स कहीं ना किसी रूप में हेल्थ को प्रभावित करते हैं, जैसे कि हमने डिफरेंट एग्जाम्पल से सीखा. तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट, जो हम एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इसको तैयार कर सकते हैं. तो आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आ गया होगा, इससे आप लर्न कर सकते हैं डिफरेंट फैक्टर्स. फ्रेंड्स, यदि आप और भी वीडियोस रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को देखना चाहते हैं, तो मेरी यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकॉन. बाय दिस यू गेट मोर कंटेंट रिलेटेड टू द नर्सिंग सब्जेक्ट. थैंक यू.